अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो मैं आज के फेशियल को तीन पार्ट में डिवाइड करूंगी। पहला पार्ट है इसका स्क्रब, सेकंड है मसाजिंग क्रीम और थर्ड है फेस पैक। सो मैं यहाँ पे एक बोल में शुगर ले रही हूँ 1 टीस्पून। अगर आप लोग इसे चाहे तो कूट कर इसके ग्रैनुल्स को तोड़कर डाल सकते हैं, बट मैं इसे 2-3 मिनट्स रखूँगी तो तब तक ये शुगर मेल्ट हो जाएगी। सो इससे कोई फेस पे हार्शनेस नहीं लगने वाली है। सो मैं यहाँ पे हाफ लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ और मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करके 2-3 मिनट्स मैं इसे छोड़ दूँगी। सो इसके जो गुड पार्टिकल्स है वो स्मूद आउट भी हो जाएंगे और शुगर भी थोड़ी मेल्ट हो जाएगी और ये लगाने में बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा। सो मैं यहाँ पे फेस पे मेरे स्टीम ले रही हूँ। स्टीम बहुत ज़रूरी होता है हमारे फेस पे, हमारे ओपन पोर्स खुल जाते हैं इससे और हमारे फेस पे बहुत अच्छी ब्राइटनिंग आ जाती है और हमारी स्किन प्रेप हो जाती है, रेडी हो जाती है। हमारे जितने भी डीप क्लीन करना है हमें, हमारी डीप क्लीन हो जाती है हमारी स्किन। सो मैं इसीलिए कर रही हूँ। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप लोग गर्म पानी में रुमाल डालकर भी उससे स्टीम ले सकते हैं। मेरे पास स्टीमर था इसलिए मैंने इससे स्टीम ले ली। अभी मैंने यहाँ पर मेरे पूरे फेस पे स्क्रब को अप्लाई कर ली हूँ। अच्छी तरह से अप्लाई करना है इसे फेस पर। सो मैं इसे फेस पे अच्छे से स्क्रब कर लूँगी। इसे मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत फास्ट कर रही हूँ। स्किन हमारी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो बहुत आराम से करना चाहिए फेस पे। सो आप लोग इसे लिप्स पे हर जगह लगा सकते हैं क्योंकि DIY है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है तो हमारी किसी भी फेस के किसी भी स्ट्रक्चर पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। सो आप लोग देखने में किस तरीके से करिए। फेशियल स्टेप बहुत ज़रूरी होते हैं स्क्रब में। अभी फेस को अच्छे से क्लीन करूँगी मैं। पहले इसे नैपकिन से अच्छे से पोंछने के बाद इसे फेस में से अच्छे से पोंछकर वाइप कर फिर से फेस वॉश करूँगी। इसके बाद स्क्रब से ही फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आ गया है अब तक। सो अभी हम फेशियल क्रीम बनाएंगे। तो फेशियल क्रीम बनाने के लिए मैं यहाँ एक बोल ले रही हूँ, उसमें 1 टीस्पून कॉफ़ी लूँगी। कॉफ़ी आज का की इंग्रेडिएंट है और मैं यहाँ मेरे प्लांट का एलोवेरा जेल ले रही हूँ। अगर आप लोग मार्केट का लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, बट DIY है तो इसलिए मैं घर का एलोवेरा जेल ज़्यादा प्रेफर करती हूँ एज़ कम्पेयर टू मार्केट का। सो अब मैं इसके जितने भी साइड के जो कांटे होते हैं वो निकाल ली मैंने और बीच का जितना जेल है उसे मैं स्क्रैप करके निकाल रही हूँ क्योंकि अगर हम इसे कट कर डालेंगे तो उसे फिर तोड़ने में बहुत मुसीबत होती है। मुझे जब भी मेरे DIY में मेरा एलोवेरा जेल डालना होता है तो मैं ऐसे ही डालती हूँ। सो आप ऐसे ट्राई करके देखना, इससे इसको बिल्कुल भी तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आराम से निकल जाता है ये। सो अभी मैंने यहाँ पूरा जेल निकाल ली हूँ। अभी ये जेल निकालने के बाद इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये अभी आपको स्लाइम जैसा दिख रहा होगा। सो थोड़ी देर बाद हम लोग इसे बिल्कुल ही रनिंग कंसिस्टेंसी में बना देंगे इसे, क्योंकि रनिंग कंसिस्टेंसी इसकी हमें बहुत ज़रूरत है क्योंकि ऐसे ये फेस पे लगेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ डाबर हनी। आपके पास जो भी हनी है आप लोग वो डाल सकते हैं, मेरे पास डाबर हनी है इसलिए मैं यही डाल रही हूँ। मैं यहाँ डाबर हनी 1 टीस्पून डालूँगी। हाफ टी स्पून ही काफ़ी होता है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ऑयली है, सो इसीलिए मैं हाफ टी स्पून डालूँगी यहाँ पे। अब यहाँ इसके बाद हम यूज़ करेंगे एवियन कैप्सूल, एवियन 400। ये विटामिन ई की कैप्सूल है, ऑब्वियसली सबको पता होगा। अगर आप लोग डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं डालना चाहते तो टोटली से स्किप कर सकते हैं, बट मेरी माने तो ये डालने के बाद फेस पे सच में एक नेचुरल ग्लो आएगा क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होती है। सो हमारे फेस के लिए एंटीऑक्सीडेंट तो बहुत ही अच्छा है। मैं इसे पर्सनली यूज़ करती हूँ इसलिए मैं यहाँ डाल रही हूँ। सो इसे मैं अच्छे से स्क्वीज आउट करके इसके अंदर का जितना भी फेशियल ऑयल है वो ऑयल को निकाल लेंगे हम लोग। और अब इसे
इतना फेंटना है जैसे हम अंडे को फेंटते हैं ना, ठीक उसी तरीके से इसे फेंटना है। आप लोग देख रहे हैं मैं कैसे फेंटूंगी अभी, तो इसे इतना फेंटना है कि ये रनिंग कंसिस्टेंसी में आ जाए, ये बिल्कुल आ जाएगा। इसे मैं अच्छे से फेंटूंगी, जितना हो सके उतना अच्छे से फेंटूंगी। सो मुझे एटलीस्ट इसे 5 मिनट लग गए। आप लोग देख रहे हैं अभी ये रनिंग कंसिस्टेंसी में आ गया है फेंटने के बाद, इसे मैंने बहुत अच्छे से फेंटी हूँ। सो ये देखिए आप लोग, रनिंग कंसिस्टेंसी आ गई है इसकी। सो मैं इसे पूरे फेस पर लगाऊंगी अच्छी तरीके से। फेस पे लगाने के बाद इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा स्प्रेड आउट करने से होता क्या है कि सब जो कि एक ही अमाउंट में लगता है, और इसे हम लोग अच्छे से फेशियल स्टेप्स कर सकते हैं, हम लोग अच्छे से मसाज कर सकते हैं। सो मैं इसे मेरी रिंग फिंगर की हेल्प से मेरी आईज़ पे भी लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें विटामिन ई की कैप्सूल है। सो हमारे डार्क सर्कल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, कॉफ़ी हमारे डार्क सर्कल्स के लिए बहुत अच्छी है। तो आप लोग इसे आईज़ पर भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसे आईज़ पर नहीं लगा सकते। आप लोग देख रहे हैं मैं किस तरीके से स्क्रब कर रही हूँ, अच्छे से फेशियल स्टेप्स कर रही हूँ, क्योंकि हमारी मसाजिंग क्रीम में मसाज बहुत ज़रूरी होता है फेस की। सो आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से ग्लो है। मैंने इसे एटलीस्ट 10 मिनट्स तक इसे मैंने स्क्रब अच्छे से मसाज की थी। मैं आपको यहाँ अगर मैं 10 मिनट दिखाने गई तो बहुत लंबा हो जाएगा, सो इसीलिए मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा क्रॉप कर ली हूँ। बट मैंने इसे टोटल 10 मिनट्स मैंने इसे अच्छे से मसाज की थी फेस पे, और आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से ग्लो आया है मेरे फेस पे। चलो अब बारी है फेस पैक की। तो फेस पैक के लिए अगेन हम लोग यहाँ कॉफ़ी लेंगे 1 टीस्पून, और ये कॉफ़ी में हम लोग यूज़ करेंगे अभी आटा, गेहूं का आटा होता है जिससे हम लोग रोटी डालते हैं, रोटी बनाते हैं, ठीक वही गेहूं का आटा लेंगे हम लोग। गेहूं का आटा हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा है, इसमें बहुत ही गुड क्वालिटी ऑफ ग्लाइकोलिन होता है, बहुत ही गुड क्वालिटी ऑफ इसमें, मतलब इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं यहाँ हाफ लेमन ले रही हूँ, इसे मैंने स्क्वीज़ आउट कर ली हूँ, और मैं आपको बताना भूल गई थी मैं यहाँ रोज़ वाटर भी ले रही हूँ। इसे इतना रोज़ वाटर इतना डालना, आप लोग चाहे तो इसके बदले आप लोग मिल्क डाल सकते हैं, दही डाल सकते हैं, आप लोग जो चाहे वो डाल सकते हैं बाइंडिंग के लिए। सो मैं यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, दही मिल्क जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं। और इसमें अच्छे से, मुझे थोड़ी सी रनिंग कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए थी, थोड़ा सा फेस पैक जैसा चाहिए था स्टिफ, तो मैंने थोड़ा सा आटा और डाली थी क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा पतला है। सो इसीलिए मैंने थोड़ा सा और आटा डाली, बस इतना चाहिए। आप लोग गेहूँ का आटा यूज़ नहीं करना चाहते तो आप लोग बेसन भी डाल सकते हैं, चावल का आटा भी डाल सकते हैं, आप लोग दोनों में से जो तीनों में से जो चाहे वो डाल सकते हैं। मैं आज आपको गेहूं के आटे से बता रही हूँ। सो मैं इसे ऑल ओवर फेस लगाऊंगी, इसे अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रही हूँ। कभी भी फेस पैक लोअर डायरेक्शन में या उल्टा सीधा नहीं लगाना है, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना है। अपवर्ड डायरेक्शन में लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब वो ड्राई होता है तो ड्राई होने के बाद उसकी जो गुड क्वालिटी होती है वो हमारे फेस पर बिल्कुल दिखाई देती है। सो मैं इसे अच्छे ऑल ओवर फेस पर लगाऊंगी, अच्छे से इसे स्प्रेड कर रही हूँ मेरे फेस पे। इसमें कॉफ़ी है, इसमें आटा है, इसमें लेमन है। लेमन हमारे फेस को ब्लीच करेगा, वाइटनिंग करेगा, ब्राइटनिंग करेगा। सो हमारे फेस के लिए लेमन बहुत अच्छा है। मैं इसे आईज़ पर भी लगाऊंगी क्योंकि मुझे सीवियर डार्क सर्कल हो रखे हैं, क्योंकि वीडियोस बनाना होता है। सो इसलिए सो मैंने 20 मिनट्स रखी थी, और 20 मिनट्स के बाद आप लोग देख रहे हैं थोड़ा सा सूख गया और थोड़ा सा गीला है। इसमें से वहीं स्क्रब करूँगी, अच्छे से मैं इसे स्क्रब करूँगी क्योंकि मेरे जहाँ जहाँ ब्लैकेट्स हो रखे हैं मैं इसे वहीं इसे मसाज कर रही हूँ, क्योंकि ब्लैकेट्स बहुत अच्छे से निकल जाते हैं इसमें, क्योंकि इसमें आटा होता है। अगर हम लोग इसे थोड़ा सा स्टिफ होता है और हम लोग इसे रब करते हैं
करता हूँ तो इससे हमारे ब्लैकहेड्स अच्छे से निकल जाते हैं, एकदम डीप ग्लेन हो जाती है हमारी स्किन। सो आप लोग देख सकते हैं मेरे वन साइड कितना अच्छा ग्लो आया है, आप लोग मेरे फेस पर देख सकते हैं। अभी आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि गोरे पर करके काले पर करके दिखाओ, आप तो ऑलरेडी गोरे हो। सो मैं ये जो दिखा रही हूँ ये कोई गोरा होने के लिए, मैं इससे गोरी नहीं हुई हूँ। जिसकी जो स्किन पहले से होती है उनकी स्किन वैसे ही होती है और बहुत अच्छी होती है। हमें हमारी स्किन से बहुत प्यार करना चाहिए। सो मैं बिल्कुल भी ये नहीं कर रही हूँ, इससे हमारी स्किन 2 से 3 शेड लाइटर होती है। आप लोग देख रहे हैं मेरी, मैं कोई एकदम से दूध से बाहर नहीं निकली हूँ, बस इतना आता है इससे कि हमारी स्किन 1 से 2 शेड लाइटर होती है, ब्राइटनिंग आती है हमारे फेस पे, हमारे स्किन की डेड स्किन सेल्स जितनी भी होती है वो निकल जाती है। सो थैंक यू, सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।